कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं। अ लॉट ऑफ कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन्स ऑफ बॉल पेन है, ठीक है, बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड अदर आर गुड। मतलब 144 में 20 डिफेक्टिव है तो अच्छे कितने हैं? 124 कितने हैं? अच्छे हैं और 20 डिफेक्टिव हैं। इसमें आ गया नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड। नूरी तभी उस पेन को खरीदेगी जब अच्छे होंगे तो खरीदेगी, नहीं तो नहीं खरीदेगी। बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं परचेस करेगी। द शॉपकीपर ड्रॉ वन पेन एट रेंडम एंड गिव इट टू हर। रेंडमली एक उसको पेन निकाल के देता है, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रायोरिटी डैट, पहला बोला है सी विल बाय इट, दूसरा बोला सी विल नॉट बाय इट। तो एक है जो खरीदना है और एक है जो नहीं खरीदना है। नहीं खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जो डिफेक्टिव वाले की आएगी। खरीदने की चॉइस क्या होगी? जब गुड पेन आएगा। तो इसके लिए सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या होंगे टोटल पॉसिबल आउटकम? 144, ठीक है। पहला क्या, सी विल बाय इट। अगर उसे खरीदने की है तो खरीदने में उसको कौन से चाहिए? अच्छे चाहिए, अच्छे पेन, तभी वो खरीदेगी। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा? फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? 124, यही है अच्छे पेन। फेवरेबल आउटकम तो यही होंगे ना, 124 हो गए। अब आ गया आपके पास, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी इवन ले रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी इवन क्या हो जाएगा? 124/144 हो गया। क्लियर हो गया? तभी तो बाय करेगी जब ये प्रोबेबिलिटी हो। उस पेन का अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये है। हाँ बोलो क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, है तो पूरे में से ना, अच्छा निकलेगा वो पूरे से बात हो रहा है। अच्छा निकलेगा, निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? क्वेश्चन में क्या बोला, अगर अच्छा होगा तो ही खरीदेगी। हाँ तो उसी अच्छे की ही ये पॉसिबिलिटी है कि अच्छा निकलने की पॉसिबिलिटी क्या है? ये है 124 अच्छे है 144 में से, तो ये अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल लॉट में ये 144 है, ठीक है। उसमें से वो एक पेन जो निकाल के दिया, उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेंडमली एक सिलेक्ट करते हो, मान लो एक रेंडमली आपने सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी, अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 124/144 है। वही कह रहा है कि अच्छा होगा तभी तो खरीदेगी ना, वो अच्छा हुआ तो खरीदेगी। वो जो एक उसने दिया, वो एक शॉपकीपर ने उसको एक निकाल के दिया तो उसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी क्या ये है? और वो अच्छा अगर निकला तब वो तो परचेस करेगी, नहीं तो नहीं परचेस करेगी। उसको एक पेन लेना, दो पेन लेना, ये नहीं कि 124 पेन ले रही है। कितना भी उसको परचेस करना है, जब वो एक पेन गुड होगा तब वो परचेस करेगी। हाँ क्वेश्चन अच्छा होगा तो ही खरीदेगी, तो अच्छा देंगे ना टोटल पॉसिबल आपको 124। तो अच्छे होने की संभावना क्या होगी? सब तो मिक्स होगा, थोड़ी की है, सब मिक्स है ना, उसमें 20 और ये 124 मिक्स है। तो अच्छे होने की पॉसिबिलिटी कितनी है वो पूछ रहा है, तभी तो बाय करेगी। समझे कि नहीं? नहीं पता है ना कि कौन अच्छा है कौन खराब है, क्योंकि उसमें 20 मिक्स है, देखने से नहीं पता चल रहा है। कंफ्यूज हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट है कि नॉट बाय, सी विल नॉट बाय इट, ठीक है। इसका इवेंट इटू है, नॉट बाय कब करेगी? जब उसकी संभावना है बैड वन, मतलब 20/144 हो जाएगा, तब हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा? 20, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन राइट होगा।